गौर से बातें सुनना, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको वहाँ काम आएगी। अगर आप लोग नहीं सुनोगे तो परेशानी हमारे हिस्से में तो है ही, आपकी ज़्यादा है ना। अभी आपका सफ़र इंशाल्लाह यहाँ से शुरू होगा, ओमान एयर की आपकी टिकट है। अंदर एंट्री के लिए जो पहला पेज है ये खोल के रखने का और टिकट की कॉपी हाथ में रखने का। हर हाजी के हाथ में अपनी अपनी टिकट कॉपी, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, बच्चे को छोड़ करके जितने समझदार हैं उनके हाथ में टिकट पासपोर्ट दे देने का। ये दो चीज़ें आप जब दिखाओगे तब आपको अंदर छोड़ेगा। ओमान एयरवेज की काउंटर पर आपको जाना है। सबसे पहला मैं बता दूँ, ग्रुप लीडर आपका रहेगा इम्तियाज पासलिया। इम्तियाज पासलिया आपके ग्रुप लीडर रहेंगे, जैसे चीज़ें समझाएंगे वैसे आपको करना है। ओमान एयर के जब काउंटर पे आप जाओगे, ये सारी चीज़ें जब दिखाओगे तो आपको एक बोर्डिंग कार्ड दिया जाएगा। जब आप अपना बैगेज डालेंगे, बोर्डिंग कार्ड दिया जाएगा जिसमें आपका सीट नंबर रहेगा और गेट नंबर रहेगा कि कौन से गेट पे आपको जाना है और क्या सीट नंबर रहेगा। जब बैगेज अंदर डालो, एहराम अंदर नहीं रहेगा, एहराम आपके हाथ में रहेगा, क्योंकि अब आपको बस्कर ऊपर के एहराम पहनना है, वहाँ तीन चार सौ घंटे का हो तो एहराम हाथ में रहेगा, वाजिब हो जाए। ठीक है, दूसरा कोई भी आदमी के पास पावर बैंक बाइक चार बैगेज में नहीं रहेगा, अपने हाथ में रहेगा, जाएगा नहीं जाएगा। आपका अनुभव कैसा होगा, बैगेज में अपना हाथ में रखना लिखित वगैरह नहीं तो छुपवा देगा उधर। वो करने के बाद इमिग्रेशन होगा आपका, जहाँ आप छुट्टी दी जाएगी, उसके बाद आपको अंदर जाना है, आराम से इंतजार करो, फ्लाइट आएगी बैठना है। दूसरा, जब आप जिद्दा उतरोगे बस वहाँ ध्यान रखना है कि बस में आपको एयरपोर्ट पे ले जाया जाएगा, जहाँ आपकी उंगलियों के निशान लिए जाएंगे, आपकी फ़ोटोग्राफ ली जाएगी, उसके बाद में आपको बाहर निकलने दिया जाएगा स्लिप के साथ में। वो स्लिप दोगे वैसे बाहर जाओगे, आपका अपना अपना सामान जो है वो ले लेगा। आपके सामान के साथ में हमारे खाने का सामान जो है, आपके लिए जो खाना बनना है वो सामान आपके साथ रहेगा। फिलहाल आपकी एक आदमी के ऊपर दो बैग होता है, तो क्योंकि हर आदमी एक एक बैग लाता है तो खाने का एक एक सामान चढ़ाते हैं, वो वहाँ पर आपको उतार करके थोड़ा सा जो जवान आदमी है वो इम्तियाज को मदद करना बस पर डालने के लिए। अपनी सभी से गुजारिश है क्योंकि वो खाने का सामान आप ही लोगों के लिए आपको काम आएगा इंशाल्लाह। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, जब वहाँ से बाहर निकलो तो एक जगह खड़े रहना। 40 लोग जो है आपके 40 लोगों का ग्रुप है, वो एक साथ के अंदर एक बस में जाएगा। इम्तियाज भाई को आप फॉलो करोगे, वो आपको इंशाल्लाह होटल तक ले जाएंगे। होटल में जाने के बाद में आपके खाने का जो इंतज़ाम है, वो खाना वाना खा के फारिग होकर के सभी लोगों को उमरा करना है। पहले मदीना ले जाना था, लेकिन लारे ने डिसाइड किया कि मदीना जाने से आपका सामान का एक उमरा रह जाता है, तो हमारे पे वो खर्च बढ़ रहा था। बहरहाल वो खर्च हमने नज़रअंदाज करते हुए सोचा है कि पहला आपका जो उमरा होगा वो सामान का होगा। रमज़ान के एक दिन पहले आपकी फिर वहाँ से वापसी होगी मदीना की तरफ। सफ़र जो शुरू होगा मदीना का होगा इंशाअल्लाह। आपका पहली तरावी जो है वो मदीना मुनव्वरा में होगी। ठीक है, 10 रमज़ान तक इंशाअल्लाह पर रहोगे, उसके बाद आपको ले आया जाएगा मक्का। मक्का के अंदर आपको पूरे 22 दिन जो भी होगा वहाँ ईद होगी, जो एक महीने के लिए जा रहा है। वहाँ जो ख़ास ख़ास ख्याल रखना है रमज़ान में, खाने के वक्त का अहतमाम कि भाई जो वक्त और टाइम टेबल लगाया है उसकी पाबंदी करें। दूसरा, एक साथी दूसरे साथी के साथ मदद करें। हो सकता है हमसे गलती हो सकती है, जो मैं अभी से माफ़ी चाहता हूँ। हमारे घरों में भी खाना पकाने में जब उम्मीद भी होता है तो हाजी गुस्सा ना करे, गाली गलौज ना करे, सिर्फ हमारे को बोल दे कि ये मिस्टेक है, इंशाअल्लाह उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, या और भी कोई चीज़ आपको नज़र आती है कि हमसे कोई गलती है कोताही है जो हमारे जहन में नहीं है, हमारे ग्रुप लीडर को बताए, उसका जल्द से जल्द इंशाअल्लाह हम हल निकालने की कोशिश करेंगे। साथ ही सभी को हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इसके अंदर वहाँ दो वर्किंग नंबर आपके चालू रहेंगे। ये नंबर सिर्फ हाजियों के लिए है, कोई रिश्तेदार अगर फ़ोन करेगा कि हमारे हाजी से बात कराओ, वो काम हमारा नहीं है। तो कोई भी रिश्तेदार हमको फ़ोन ना करे कि इससे बात कराओ उससे बात कराओ, हमारा ग्रुप लीडर वो बात कराने नहीं जाएगा। ये सिर्फ नंबर इसलिए है कि अगर हाजी कहीं मिस हो जाता है, कुछ होता है, तो ये नंबर पे आसानी से होटल तक पहुँच सकता है, इसलिए नंबर का होता है। दूसरा, जब आप होटल पहुँचो उमरा करने जाओ या मदी, दूसरा खाना होटल में ले जाना, घर में ले जाना ममनू है, उसका ख्याल रखिएगा। दूसरी बड़ी बात, आपका कोई मेहमान है तो हमारे ग्रुप लीडर को पहले रिश्तेदार कर देना, वो आपको बता देंगे भाई खाने को ये चाहते हैं कितने हाजी हैं। तीसरी बड़ी बात, किसी भी रिश्तेदार को होटल के रूम में सुलाने की परमिशन नहीं है।
अगर आप खिलाओगे हम आपको एडिशनल चार्ज करके जो पैसा होगा वो हमसे आपसे वसूलेंगे। तो इसके लिए वो चीज़ें नहीं करना। अगर आपके कोई रिश्तेदार रहना चाहते हैं तो हमको पहले से बता देना, हम आपको रूम का रेट या बेड का रेट बता देंगे, उस हिसाब से आप रुका सकते हो, खाने के लिए उतना रुका सकते हो, लेकिन बगैर इजाज़त हमारी आपको एक चीज़ें देख सकते हैं। दूसरा, आने के वक्त बॉटल में हाजी जमजम भरता है बैग के अंदर, वो न भरे, क्योंकि बैग एयरपोर्ट पर वो अच्छा दिखते हैं, वो परेशानी हमारी नहीं रहेगी, वो आप लोगों की होगी। कभी चार दिन में बैग आता है, कभी आठ दिन में आता है, पानी फेंक जाता है, तो पानी नहीं भरना, ये गुजारिश है आप लोगों से। दूसरी बड़ी चीज़ जो सबसे अहम है, अल्लाह आपके सफ़र को आसान करे, कबूल करे। सबसे अहम चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में और हरम में दे। पता नहीं ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि हम दोबारा जाए या ना जाए, अल्लाह ने जो ये मौका दिया है इसमें पूरा फ़ायदा होता है। अगर किसी को लगता है कि वो अपने लिए नहीं मांग सकता है, अपने रिश्तेदारों के लिए, मुल्क के लिए, अपने मोहल्लों के लिए मांगे अल्लाह। तेरे नाफरमानियों से तो हमारी पूरी पूरी हिफाजत करना अल्लाह। इस मजमे के अंदर अल्लाह अपनी उमंगे लेकर के तेरे बंदे तेरी बंदियां चल रही हैं अल्लाह। पता नहीं कौन किस मुसीबतों के अंदर और कौन कौन से लोग किस बीमारियों के अंदर चला है, अल्लाह हर एक को अपनी बीमारियों से शिफा अता फरमा, हर एक की मुश्किल का हल फरमा अल्लाह। इसमें से कितने लोग हैं जिसने आपस में घरों में झगड़े हैं, अल्लाह पता नहीं क्या क्या मसाइल हैं, अल्लाह हर एक के मसाइल को तो अपने इस रास्ते की बरकत से हल फरमा दे अल्लाह। आज से पहले जितनी भी दुआएं मांगी सब दुआओं को कबूल फरमा अल्लाह। तेरे रास्ते में जो कुछ भी मांगेंगे अल्लाह सब को कबूल फरमा अल्लाह। इस पूरा सफर आसान फरमा कबूल फरमा अल्लाह, कबूल फरमा अल्लाह। इस सफर में जो कुछ भी इबादत करेंगे अल्लाह तू कबूल फरमा ले, यही तेरी बड़ी अल्लाह मेहरबानी होगी। हमारी दुआओं का अपने फजल से इस मजमे के अंदर अल्लाह बड़ी होते हैं, बड़ी उम्र की औरतें हैं, बड़ी उम्र के मर्द हैं, सफ़ेद रीस हैं, बच्चे भी हैं अल्लाह। हर एक के कोई नेक अमल तुझे पसंद हो, उस एक नेक अमल की अल्लाह वास्ता देकर तुझसे मांगते हैं, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। यारी आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में और अल्लाह के वसीले में कबूल फरमा ले। जो हिदायत दी गई, अभी जो बातें की गई अल्लाह उसके ऊपर भी हमें खूब अमल करने की तौफीक अता फरमा। يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الصحابي وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين